नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समाज, समुदाय, समिति, संस्था और सामाजिक समूह के बारे में जाना, आज हम इन्हीं के बीच अंतर क्या क्या है उसी को समझने की कोशिश करेंगे। CGPSC मुख्य परीक्षा में 30 से 60 शब्द में एक क्वेश्चन अक्सर जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं समाज और समुदाय में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है कि समुदाय किसी विशिष्ट स्थान पर निवास करने वाले लोगों का समूह है, वहीं समाज की कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। समुदाय में हम की भावना या सामुदायिकता की भावना पाई जाती है, वहीं समाज में सभी प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। समुदाय मूर्त अवधारणा है, जैसे बताया था कश्मीरी समुदाय, पंजाबी समुदाय मूर्त अवधारणा होती है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, अतः यह अमूर्त है। समुदाय समाज का एक भाग है, जबकि समाज क्या है, व्यापक है। एक समाज में अनेक समुदाय हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज और समिति में क्या अंतर है। जैसा कि आपको पता ही है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, वहीं समिति क्या है कि व्यक्तियों का समूह है जो किसी विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठित होती है। समाज समिति से पुराना है, समिति नवीन अवधारणा है। समाज के उद्देश्य सामान्य होते हैं, जबकि समिति के निश्चित उद्देश्य होते हैं। समाज संगठित असंगठित दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन समिति का संगठित होना आवश्यक है। समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों का पाया जाता है, जबकि समिति का मुख्य आधार है सहयोग। सहयोग की भावना होती है इसमें। समाज संबंधों पर बल देता है, समिति समूहवाद पर बल देता है। समाज स्वाभाविक है, जबकि समिति कृत्रिम है, इसको बनाया जाता है। समाज में सदस्यता अनिवार्य है, जबकि समिति की सदस्यता ऐच्छिक है। आप समिति का सदस्य बने चाहे ना बने। समिति एक सीमित है, छोटा है। समाज क्या है, व्यापक है। एक समाज के अंदर बहुत सारे समिति हो सकते हैं। तो ये है समाज और समिति में मुख्य अंतर, आपको मुख्य बिंदु याद रखना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, समुदाय और समिति में क्या अंतर है। जैसा कि डिफिनेशन से स्पष्ट है कि समुदाय में एक निश्चित क्षेत्र में लोगों का समूह है, जिसमें हम की भावना पाई जाती है। तो यहीं से देख लीजिए, समुदाय में सामुदायिकता की भावना अनिवार्य है, जबकि समिति में सामुदायिकता या हम की भावना आवश्यक नहीं है। समुदाय स्वाभाविक है, जबकि समिति कृत्रिम है, समिति का निर्माण किया जाता है। तीसरा है, समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि समिति की सदस्यता ऐच्छिक है। समुदाय समग्र है, समिति आंशिक है। समुदाय के लिए अधिकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि समिति में विभिन्न कार्यों को प्रबंध करने के लिए अधिकारी की आवश्यकता होती है। समुदाय यह प्रथा रीति रिवाजों के माध्यम से कार्य पर बल देता है, लेकिन समिति में नियम कानून होते हैं कार्य को चलाने के लिए। समिति एक समय में एक व्यक्ति कई समिति का सदस्य हो सकता है। जैसे आप जो है शिक्षा समिति के सदस्य हो, व्यापारिक समिति के सदस्य हो सकते हो, एक साथ बहुत सारे समिति के सदस्य हो सकते हो, लेकिन समुदाय में ऐसा नहीं है, किसी एक ही समुदाय का आप हो सकते हो सदस्य। समुदाय स्थायी है, जबकि समिति अस्थायी है। अपने उद्देश्य पूर्ति होने के साथ ही समिति खत्म हो जाती है। जैसे आपको बताया था गणेश उत्सव समिति, गणेश का विसर्जन हुआ, समिति का काम वहां पर खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार आप समुदाय और समिति में अंतर देख सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं कि समिति और संस्था में क्या अंतर है। 2016 30 शब्द में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, समिति क्या है, व्यक्तियों का समूह है।
लेकिन संस्था क्या है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नियम, विधि विधान, कार्य प्रणाली की एक संगठित व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं संस्था। यानी संस्था नियम, विधि विधान, कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। समिति आकार होता है, समिति का एक मूर्त होता है समिति, जैसे गणेश उत्सव समिति। लेकिन संस्था का आकार नहीं होता, यह जो है अमूर्त होता है, ये दिखाई नहीं देता, जैसे विवाह एक समिति है, ठीक है। तीसरा, समिति का अपना नाम होता है, जैसे गणेशोत्सव समिति, महिला समिति, ठीक है। लेकिन संस्था का अपना क्या होता है, प्रतीक होता है इसका, ठीक। समिति स्थापित की जाती है और संस्था में क्या होता है, संस्था का विकास धीरे धीरे होता है, स्थापित नहीं की जाती, इसका विकास धीरे धीरे होता है। समिति व्यक्तिगत हित पर बल देता है, जबकि संस्था सामूहिक हित पर बल देता है। तो ये है प्रमुख अंतर दोनों में, आप इसको ध्यान में रखिए। अगला है, समुदाय और संस्था में क्या अंतर है। 2017 में 30 शब्द में आया हुआ क्वेश्चन है कि समुदाय और संस्था में अंतर क्या है। तो समुदाय के डिफिनेशन ही वही है कि ये समुदाय क्या है, व्यक्तियों का समूह है। संस्था क्या है, नियम, विधि विधान, कार्य प्रणाली की व्यवस्था है। समुदाय में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है, लेकिन संस्था में यह आवश्यक नहीं है। समुदाय में हम की भावना होती है, सामुदायिकता की भावना होती है, संस्था में जरूरी नहीं है। समुदाय स्वयं साध्य होता है, लेकिन संस्था साधन मात्र है, साधन का काम होता है, उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन बस है, लेकिन समुदाय क्या है, स्वयं में साध्य है। अगला अंतर है कि समुदाय में, एक समुदाय में कई संस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन संस्था ऐसा नहीं है। संस्था एक संस्था है तो एक ही संस्था रहेगा, समुदाय में, समुदाय के अंदर बहुत सारे संस्थाएं हो सकती हैं। छठवा देखिए कि व्यक्ति पारस्परिक संबंध पर आधारित होता है, व्यक्तियों की पारस्परिक संबंध होता है समुदाय में, जबकि इसमें क्या है संस्था में कि व्यक्ति सामूहिक क्रिया नियमों द्वारा संगठित होता है। इस प्रकार यदि समुदाय को देखो तो मूर्त है और संस्था क्या है, अमूर्त है, ठीक। समुदाय का आप उदाहरण भी दे सकते हो, जैसे बताया था कश्मीरी समुदाय, सिख समुदाय, संस्था में विवाह हो गया।